क्या होती उतरन। क्या हुआ? अम्मू ने कहा था गुरुजी के पांव छूना। खुश रहो, ठीक है, अपनी बेंच पे जाकर बैठो। मौसी जी, हम सोच रहे थे कि तपस्या के स्कूल जाने के बाद आप और हम ना मौसी जी कहाँ खो गए आप? चाय तो बिल्कुल शरबत हो गई, दूसरी मंगवा दे। रहने दे। क्या बात है, आप बहुत चिंतित लग रही है। रोहिणी की चिट्ठी आई है कल। क्या, रोहिणी की चिट्ठी आई है? आपने भी बताया नहीं, इतने दिन हो गए, ना उनकी कोई खबर ना कोई फोन आया, कैसे है? फोन करके कहेगी भी क्या बेचारी, कि पुष्कर का व्यापार फिर से बैठ गया। बड़ी मनहूस किस्मत है पुष्कर की भी, वो तो रोहिणी है जो सब कुछ हंसते हंसते झेल लेती है। लिखा है आप ही लोगों का सहारा है, बाहर वालों के सामने तो हाथ नहीं फैला सकते। समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दे। जोगी का इतना बड़ा व्यापार है, वो चाहे तो उसे कल ही काम पर वापस ले सकता है। तुझे क्या लगता है, जोगी पुष्कर को माफ कर देगा? गलती तो इंसान से ही होती है दिव्या, आखिर पुष्कर तेरा भाई है। मौसी जी, ऐसा नहीं है कि हमें भाई की फिक्र नहीं है, लेकिन हम जब भी तपस्या के पापा के सामने भाई का जिक्र करते हैं तो वो बहुत ही बेमन से हाँ या ना कहे बिना बात को टाल जाते हैं। क्या चल रहा है, कोई खास बात? हमारे आते या दोनों चुप हो गई? नहीं नहीं, हमारी कोई शिकायत कर रही थी क्या मौसी जी से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे मौसी जी, तभी सुबह आपको हमारे साथ जॉगिंग चलना चाहिए, मन फ्रेश हो जाता है और वजन कम होने से घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा। अब इस उम्र में कहाँ उछल कूद करेंगे हम, वैसे भी अब तो घुटनों की दर्द की आदत सी पड़ गई है। एक दिन अगर ना हो तो लगता है जैसे कोई अपना भूल गया हो। आज हम वस्तुओं के आकार के बारे में बात करेंगे। अच्छा बताओ ये क्या है? इच्छा बताओ। ये पहाड़, ये बिस्कुट और ये अम्मू की गोल गोल रोटी। गोपाल, क्या हो रहा है ये? जब सवाल पूछा जाता है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। क्या बता रही थी इच्छा, फिर से बता, क्या कहते हैं इन्हें? पहाड़, बिस्कुट, रोटी। बिल्कुल ठीक, तुम तो आकार पहचानती हो, बस इनके नाम नहीं जानती हो। बैठ जाओ, मैं बताती हूँ। ये जो रोटी है ना, इसे हम कहते हैं गोल। क्या कहते हैं? गोल। और ये जो बिस्किट है ना, इसे हम कहते हैं चौकोर। जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें चार भुजाएं होती हैं। एक, दो, तीन, चार, इसीलिए क्या कहेंगे? और ये जो पहाड़ है, ये पहाड़
इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन। कैसे? एक, दो, तीन। हाँ, इसीलिए इसे कहेंगे त्रिकोण। गोपाल, तुम्हारी शैतानियां कम नहीं होंगी ना? ठीक है, कल से इच्छा तुम्हारी जगह पर बैठेगी और तुम पीछे, बिल्कुल पीछे बैठोगे। स्विमिंग पूल है, बड़े बड़े मैदान है।